बालों का ताबड़तोड़ बात करने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में कोई मर्यादा का पालन नहीं करा जाएगा। स्टोरी स्पॉइल होती है तो हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी बात करेंगे एपिसोड 8 के कुछ लीक्ड फुटेज के बारे में एंड अगेन एक्सटेंडेड प्रोमो ऑफ 8th एपिसोड के बारे में भी एंड बहुत सी थ्योरीज के बारे में भी। तो बाबा स्पॉइलर अलर्ट, जिसको रुकना है वो यहाँ रुक सकता है क्योंकि इससे आपका फ्यूचर स्टोरी का मजा खराब हो सकता है। एंड ऐसे ही आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखो, मैं यूं ही ब्रेकडाउन थ्योरी वीडियो लाता रहूंगा। बाबा लोग, फातिमा एंड जूली का स्टोरी एंगल हमने पिछले प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में काफी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करा है, लेकिन इससे आगे भी कुछ और धमाकेदार आपके लिए वेट कर रहा है इस एपिसोड में। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी जैस्पर एंड विक्टर के पार्ट से, जो इस 8th एपिसोड में दमदार होने वाला है। सूत्रों से पता चला है कि इस टाउन का पुराना कनेक्शन सेट होने वाला है और ये सब याद कराया जाएगा विक्टर को, और विक्टर ही है जो बहुत सी गुत्थी सुलझाएगा क्योंकि विक्टर को याद आएगा कि क्रिस्टोफर जिससे बात करता था वो दरअसल जैस्पर नहीं, वो बॉय इन व्हाइट था जो क्रिस्टोफर को इस टाउन से बाहर निकालने का रास्ता बताता है, यानी उन आंकुई चिल्ड्रन की तुम कैसे मदद कर सकते हो, ये सब रास्ता व्हाइट बॉय क्रिस्टोफर को बताता है, लेकिन क्रिस्टोफर उस पर यकीन नहीं करता है। तो शायद ये पार्ट 8th एपिसोड में जरूर कवर करा जाएगा। बाकी आंकुई चिल्ड्रन कौन है उनका भी खुलासा हुआ है, लेकिन ये स्टोरी आर्क शायद 9th एपिसोड तक जाएगा, इसलिए इसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी 8th एपिसोड में और भी ज़्यादा डेटा हमें मिल जाएगा तो आंकुई चिल्ड्रन, इसी के साथ साथ बॉय इन व्हाइट को भी एक्सप्लेन कर लेंगे, वो आगे देखते हैं। लेकिन बाबा, ये सारी यादें विक्टर को रिकॉल जैस्पर ने कराई या किसी और ने, वो देखते हैं, वो 8th एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, विक्टर पिछले एपिसोड में जैस्पर को लेकर सारा के घर के बेसमेंट पर गया तो था, तो मे बी पॉसिबल है जैस्पर ने बात करी होगी इससे, और मैं इस पार्ट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि जैस्पर आखिर विक्टर से बात कैसे करेगा, वो देखते हैं एपिसोड 8 में। और इस फुटेज के हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं, जो अंदाजा लग रहा है कि विक्टर और भी पुरानी कड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि क्लियर एंड कट रिलेशन सेट हो सके, पुराना और जो नया इस टाइम पर चल रहा है यानी पास्ट एंड प्रेजेंट का कनेक्शन कुछ हो सके और कुछ ना कुछ उसे डिकोडेशन में हेल्प मिल जाए इस टाउन को डिकोड करने के लिए। मतलब विक्टर कैसे रास्ता निकाल सकता है वो सब बाबा 8th एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि उसे बहुत सी पुरानी बातें याद तो आ गई हैं और हाथ में अभी भी जैस्पर ही देखने को मिल रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि विक्टर अब बॉय इन व्हाइट को ढूंढना शुरू कर देगा क्योंकि बॉय इन व्हाइट ही है जो हेल्प करेगा टाउन के लोगों की बाहर निकलने में। दूसरा, इस फुटेज के साथ बात करें जहां टैबिथा, जिम एंड ईथन वो ओल्ड सेटलमेंट से वापस आ गए हैं और उन्हें सडनली पता चलेगा कि टाउन में पहले ही बहुत हलचल चल रही है। टिली मारी जा चुकी है, फातिमा एंड एलिस गायब हैं, एलजिन भी गायब हैं एंड मे बी विक्टर भी तुरंत टैबिथा को रीच करेगा क्योंकि बाबा उस याददाश्त में एक और बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है विक्टर और टैबिथा का रिलेशन को लेकर, जो मैं फिलहाल यहां तो नहीं बताऊंगा। अगर ये चीज 8th एपिसोड में इन्होंने नहीं दिखाई तो आई प्रॉमिस यू मैं 9th एपिसोड का वेट नहीं करूंगा और सारा भांडा यहीं फोड़ दूंगा। विक्टर एंड टैबिथा का रिलेशन का जो आप फुटेज में भी देख रहे होंगे, टैबिथा एंड विक्टर एक साथ हैं और कुछ सीरियस मैटर पर बात ही कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली बॉय इन व्हाइट को ही ढूंढने की बात कर रहे होंगे, मे बी यही पॉसिबल है। अच्छा, इस स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना दूं क्या बाबा? इस क्रिस्टोफर एंड जेड में भी कुछ कनेक्शन है और बहुत सॉलिड कनेक्शन है। लगाओ दिमाग, क्या कनेक्शन हो सकता है, फिलहाल वो भी नहीं बताऊंगा यहाँ। दूसरा, ईथन इतना विगरोसली क्यों भागता हुआ नजर आ रहा है हमको? तो प्रोमो ब्रेकडाउन वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जूली एंड ईथन दोनों उस डंजन प्लेस के अंदर जाएंगे, बट जूली और ईथन अलग हो जाएंगे। उस डंजन प्लेस के अंदर सिर्फ जूली ही जा पाएगी एंड हो ना हो ये ईथन का रस इसलिए ही होगा कि ये भाग कर टाउन आया होगा मदद के लिए, जहां कैनी एंड ये लेडी पुलिस इसके साथ भाग कर डंजन प्लेस जा रहे होंगे जूली को ढूंढने, एंड मोस्ट प्रोबेबली इन्हें जूली भी मिल जाएगी जो मे बी एक ऐसे टाइम जोन से निकल कर आ रही होगी, शायद पास्ट के टाइम जोन से। और ये बस थ्योरी ही है, अगर ऐसा 8th एपिसोड में मिल जाएगा तो वही मजा आएगा बाबा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस डंजन प्लेस में बहुत कुछ ऐसा देखकर आई है जूली, इसलिए एकदम सरप्राइज्ड लुक में भी देखने को मिल रही। अच्छा, बता दूं क्या कि ये क्या देखकर आई होगी उस डंजन प्लेस के अंदर? चलो रहने देते हैं, कुछ एपिसोड 8 के लिए भी बचा के रखते हैं वरना सारा मजा यहीं खराब हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग है लेकिन अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे डिच आउट करते हैं। देन उसके बाद ये जो फुटेज दिख रही हैं, टाउन आते ही जूली सबसे पहले रैंडल के पास आई होगी और जो भी उस डंजन प्लेस में ये देखकर आई होगी सब कुछ रैंडल को एक्सप्लेन करेगी, बट रैंडल नॉर्मल ही देखने को मिल रहा है जबकि इतनी बड़ी बात उससे जूली जस्ट बता रही है और वो लुक ऐसे दे रहा है जैसे उसे सब मालूम ही था पहले से। बाबा अगर ऐसा हो गया तो फिर मजा आएगा क्योंकि इसके बाद रैंडल का कुछ नया फेस देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं इस चीज़ को ज़्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए, भाई जूली ने जो देखा है वो हम सबको मालूम है कि क्या देखा है, तुम्हें भी मालूम है।
मैं हिंट दे सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। इस डंजन प्लेस में बॉयड भी आ चुका है, अगर आपको याद है सीजन 2 के एंड में जो हमने देखा था, तो जो बॉयड ने वहाँ देखा है मे बी मच अ पॉसिबिलिटी है कि जूली ने भी वहाँ देखा होगा। एंड ये जो थ्योरी सेट करी जा रही है वो इसलिए क्योंकि 8th एपिसोड में पास्ट कनेक्शन ही ज़्यादा बात करी जा रही, मैंने इसी की ज़्यादा बात करी जा रही, तो मेरी थ्योरी के हिसाब से जो डायरेक्शन मिल रहा है वो यही जाता है कि जो बॉयड ने देखा होगा वही जूली ने भी देखा है। आगे बढ़ते हैं, बाकी बाबा लोग फातिमा के साथ बहुत ज़बरदस्त घटना होने वाली है एपिसोड 8 में। सूत्रों से पता यही लग रहा है कि फातिमा की मुसीबत अब बढ़ती ही नज़र आने वाली है, जहां उसे एलजिन सेलर बेसमेंट के अंदर ले जाएगा और ये सब एलजिन से किमिनो वुमेन ही करवा रही है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि किमिनो वुमेन आखिर काम किसके लिए कर रही है। भाई मेरे हिसाब से ये मॉन्स्टर क्रिएचर के लिए काम कर रही है, और जितनी भी चीज़ें फातिमा के साथ अभी तक घटित हो रही हैं या घटती हुई आई हैं, लाइक फातिमा ने खुद को बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इसे फील कर सकती हूँ, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन में वो प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है। दूसरे एंगल की अगर बात करें, फातिमा खुद जॉम्बी टाइप हरकतें भी करते नजर आई है, चाहे वो निके का खून चाट कर खाना हो, चाहे वो रॉटन वेजीज का खाना हो। तो यस, यहां से एक एंगल ये भी हो सकता है कि वो शायद मॉन्स्टर क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें किमिनो वुमन उसकी हेल्प करेगी। या फिर दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि फातिमा जो प्रेगनेंसी की रट लगाए बैठी है, शायद किमिनो वुमन को फातिमा का बच्चा चाहिए होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल देखा जाए तो फातिमा का ये चेंज बिहेवियर उसकी प्रेगनेंसी के बाद ही देखने को मिला है। तो देखते हैं बाबा हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बहुत सी थ्योरीज हैं, कौन सी सच होती हैं कौन सी नहीं वो तो आगे 8th एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी जो मेरा काम था मैंने कर दिया, और सब कुछ ऐसा ही मिलेगा मैं इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा अगर मिल जाएगा तो फिर तो वो मजा ही आ जाएगा। बाकी अभी के लिए लगाते हैं विराम, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टैबिथा और विक्टर का क्या रिलेशन है एंड कनेक्शन हो सकता है, क्रिस्टोफर एंड जेट का क्या कनेक्शन हो सकता है, आंकोई चिल्ड्रन एंड वाइट बॉय इनकी क्या कहानी रही होगी इस टाउन में। बहुत कुछ है, बहुत थ्योरीज हैं। सब्र करो बाबा लोग, सब्र का फल मीठा ही मिलता है और मिलेगा। इन सब पर भी ब्रेकडाउन वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी के लिए लगाते हैं विराम। बाकी आप लोगों के मन में भी कुछ बातें हैं तो नीचे जरूर बता के जाना, और भी कुछ थ्योरीज जो मुझसे रह गई हो या फिर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो वो भी जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कॉमेंट बॉक्स पर। जय हिंद।